वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इंदिरा ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने घरेलू गैस से लेकर डीजल पेट्रोल की कीमतों में उछाल पर सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी पर भी सत्ता से सवाल किए हैं। उन्होंने सरकार को प्रदेश भर में महंगाई को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। का सत्र होगा 28 तारीख को, हमारे विधायक दल की बैठक होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इसका ये मतलब है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम बिजनेस तय करते हैं कि कौन कौन से कब तक सदन चलेगा और क्या बिजनेस लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक में ये तय करते हैं किन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। ये सब काम 28 को हो जाएंगे। 28 का महीना है, पहली तारीख से सदन चलेगा। ये बजट सत्र है, इसमें बजट भी पास होगा। तो इसमें हम प्रमुख रूप से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तीन मुद्दे हमारे प्रमुख हैं। उदाहरण सहित वहाँ हम प्रस्तुत करेंगे जिसका जवाब सरकार से मांगेंगे और उन्हें देना पड़ेगा।